मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला से पंडित ईश्वर शर्मा जी हैं, इनका श्राद्ध से संबंधित प्रश्न है जो कि बड़ा सार्वजनिक और प्रासंगिक है। वे पूछ रहे हैं कि श्राद्ध में यजमान के घर पर भोजन करने वाले ब्राह्मणों के क्या नियम हैं, क्या विधि निषेध हैं, तथा श्राद्ध करने वाले यजमान के क्या विधि निषेध हैं, श्राद्ध करने वाले को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस बात को आप सुने। देखिए, श्री व्याघ्रपाद स्मृति के 155वें श्लोक में आचार्य चरण बतला रहे हैं कि श्राद्धकर्ता के क्या क्या नियम हैं। दंत धावन तांबूलम स्नेह स्नानम भोजनम रत्यौषधम परान्नंच श्राद्धकृत सप्तविवर्जयेत् सप्तवर्जयेत्। ये सात चीजों का परिवर्जन श्राद्धकर्ता को करना चाहिए। जो श्राद्ध कर रहे हैं वो इन कार्यों को न करें। दंत धावनम, जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन किसी भी काष्ठ से दंत धावन न करें। दंत धावन, तांबूलम, तांबूल आदि का भक्षण न करें जो श्राद्ध करता है। वो अगर कोई तमाकू बीड़ी या कोई और मादक पदार्थ खाता है तो उसकी तो बात ही नहीं है। तांबूल भी नहीं खाए, पान आदि भी नहीं खाए जिसके यहाँ श्राद्ध है। स्नेह स्नानम, स्नेह स्नानम, तेल उबटन लगा करके नहीं नहाए, सामान्य रूप से स्नान करें, अर्थात तेल साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन और भी तेल साबुन से याद आया कि इस दिन जो है साबुन लगा करके वस्त्र भी नहीं धोना चाहिए। साबुन लगा करके वस्त्र नहीं धोना है। श्राद्ध के दिन लिखा है, श्राद्ध के दिन श्राद्ध होने से पहले यदि वस्त्र धो करके निचोड़ करके डाल दिए तो पितर लोग उसी जल को पी करके चले जाते हैं, फिर वे श्राद्ध में नहीं रहते। श्राद्ध खाने के समय पर वो उनकी उपस्थिति नहीं रहती है। और लिखा हुआ, वस्त्राणाम क्षार संयोगे दहत्या सप्तमम कुलम। यदि कपड़ों में आपने साबुन लगा करके श्राद्ध वाले दिन धोए तो दहत्या सप्तमम कुलम, आपकी सात पीढ़ियों को दग्ध करने वाला यह कार्य है। इसलिए श्राद्ध वाले दिन वह कपड़ों में साबुन लगा करके नहीं धुलना है। तो दंत धावनम, तांबूलम, स्नेह स्नानम, अभोजनम, अभोजन, अभोजन कहते हैं उस दिन उपवास भी नहीं करना कि कोई चाहे कि हमको आज कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। श्राद्ध शेषान अवश्य भक्षणीय होता है। जिस चीज से आपने श्राद्ध किया है तो उस दिन आपको जरूर ही वो श्राद्ध शेषान खाना है। अब देखिए, इसके साथ साथ में इसकी निष्कृति भी समझते चलें, ये क्या करें। जैसे किसी के घर में श्राद्ध है, एक उद्दिष्ट या पार्वण आदि, और उस दिन कोई ऐसा वार है या कोई ऐसी तिथि एकादशी आदि है तो उस दिन जो है वो व्रत है। लिखा हुआ, एकादशी के दिन यदि कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाता है जो अन्न खाता है तो अन्न से श्राद्ध करने में कोई दोष नहीं है। और यदि वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं मिला है जो श्राद्धान एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है तो फिर फलाहार से, भविष्यान्न से एकादशी में भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो एकादशी या किसी भी अन्य व्रत वाले दिन किसी व्यक्ति ने श्राद्ध किया तो श्राद्धान्न अवश्य खाना चाहिए। तो या तो वो श्राद्ध शेषान नहीं खाता है तो श्राद्ध की विधि पूर्ण नहीं हुई, और खा लेता है तो जिस व्रत को कर रहा है वो व्रत पूर्ण नहीं हुआ, तब क्या करे। तो तब के लिए लिखा है आघ्राणम, वो श्राद्ध शेषान को लेवे और उसको सोल लेवे।
सूंघ करके उस विधि को पूर्ण करे और बाद में उस अन्न को किसी को खिला देवे, परंतु उस अन्न को खाए नहीं। तो अन्न का आघ्राण मात्र से वो श्राद्ध शेषान्न खाने की विधि पूर्ण हो जाती है और व्रत में कुछ नहीं खाया है इसलिए व्रत की विधि भी पूर्ण हो जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो श्राद्धकर्ता के लिए परिवर्जन का एक नियम और है, रत्यौषध्यम परान्नंच श्राद्धक सप्तवर्जयेत। रति स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए जिस दिन श्राद्ध हो, अलग अलग शयन करें। औषधम, अगर कोई ऐसी बात नहीं है, विशेष कोई कारण नहीं है, तो औषधि को नहीं खाना चाहिए श्राद्धकर्ता को। जब तक श्राद्ध नहीं हो जाए तब तक नहीं खाए। और परान्नम, आपके घर में श्राद्ध है और आपका कहीं दूसरी जगह निमंत्रण भी है, तो बहुत से ब्राह्मण लोग ऐसा, ये ब्राह्मणों में ही संभव है कि निमंत्रण प्रायः ब्राह्मणों का ही आता है, तो अपने घर में भी श्राद्ध है और वो दूसरे के घर में भी भोजन करने चले जाते हैं, अपने घर में जल्दी किया श्राद्ध, दूसरे के यहाँ चले गए, तो आपका श्राद्ध अपना पूरा नहीं हुआ। जिन पिताओं के लिए आपने किया था, जिन पितरों के लिए श्राद्ध किया था, उसमें न्यूनता आ जाती है। तो परान्नम, श्राद्धावसर पर दूसरे का भोजन भी नहीं करना है। श्राद्ध कर सप्तवर्जयेत, इन कार्यों को श्राद्ध करने वाले के लिए परिवर्जित कर देना चाहिए। श्राद्धम कृत्वा परश्राद्धे योषनीयाज ज्ञानवर्जितः दातु श्राद्ध फलम नास्ति भोक्ता किलविष भोग भवेत। स्कंद पुराण में जो है ये लिखा हुआ है कि श्राद्धम कृत्वा परश्राद्धे योषनीयाज ज्ञानवर्जितः, यह ज्ञानवर्जितः, जो ज्ञानहीन व्यक्ति अपने घर में श्राद्ध करके दूसरे के घर में भोजन करने के लिए जाता है, तो दातु श्राद्ध फलम नास्ति भोक्ता किलविष भोग भवे, तो जिसके घर में भोजन करने के लिए गया है उसको भी उसका फल नहीं मिलता है। दातु श्राद्ध फलम नास्ति, जो उसको अन्न देगा उसका भी कोई फल नहीं है, और भोक्ता, जो अपने घर में श्राद्ध करके दूसरे के घर खाने गया है, वो भोक्ता किलविष भोग भवे। किलविष माने होता है पाप, पापों को खाने वाला होता है, अर्थात वो पाप खाता है, पाप लगता है, इसलिए किसी दूसरे के घर में श्राद्ध वाले दिन भोजन करने के लिए नहीं जाए। तब श्राद्धकर्ता ने, कई लोग कहते हैं, हमको पूछते हैं कि भाई आपका, हमने लिखा एक वर्ष प्रश्नावली में भी कुछ नियम लिखे थे, तो कई बार लोगों के फोन आए कि हमने तो मंजन कर लिया, हमने दांतोन कर ली, गांव में आजकल भी लोग दांतोन करते हैं, दांतोन ही करना चाहिए, तो आज हमारे घर में श्राद्ध है और श्राद्ध वाले दिन दांतोन कर ली, ध्यान नहीं रहा, तब क्या करें? तो उसके लिए निष्कृति बताई गई है, उसका प्रायश्चित शास्त्रों में बतलाया गया है। देखिए, श्राद्धोपवास दिवसे खादित्वा दंत धावनम गायत्री शत संपूत मंब प्रास्य विशुद्ध्यति। ये विष्णु रहस्य नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ। दंत धावन श्राद्ध वाले दिन और जिस दिन कोई व्रत हो उस दिन भी नहीं करना चाहिए। दंतानाम काष्ठ संयोगो दहत्या सप्तमम कुलम, ऐसा लिखा हुआ है। दांतों से काष्ठ का संयोग पितरों को कष्टदायी होता है, इसलिए उस दिन श्राद्ध नहीं करना है, वो श्राद्ध वाले दिन दत्वन नहीं करना है। अगर कोई कर लेता है तो श्राद्धोपवास दिने खादित्वा दंत धावनम, यदि कोई दांतोन करता है तो गायत्रीम शत संपूतम, तो वो एक माला गायत्री की जप करे तो इससे वो पवित्र हो जाता है। पूतम, और अम्ब प्राश्य विशुद्धति, और 100 बार गायत्री से अभमंत्रित जल को पिए, कलश में जल भर करके बाएं हाथ में रख करके दाएं हाथ से ढक करके 100 बार गायत्री जप करे, या कलश को आगे रख करके उसको देखता हुआ और एक माला गायत्री जप करे, बाद में उस जल का पान करने से इस पाप से निष्कृति होती है, ऐसा विष्णु रहस्य नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर श्राद्ध करता नियमों का पालन नहीं करता है तो बड़ा दोष बतलाया गया है शास्त्रों में।
आमंत्रितस्तु यह श्राद्धे अध्वानम प्रतिपद्यते भ्रमन्ति पितरस्तस्य तम मासम पांशु भोजिनः। यदि कोई व्यक्ति जो है श्राद्ध करने के बाद में यात्रा का वर्जन है, यात्रा नहीं कर सकते, यात्रा करता है तो पितरों को कष्ट होता है, ऐसा कह रहे हैं। अध्वनिनो भवे दस्वः पुनर्भोजी तुबायसः होमकरन नेत्र रोगी स्यात् पाठादायुः प्रहीयते। ध्यान देना इस बात पर, अगर कोई श्राद्ध करने के बाद यात्रा करता है, पैदल चलता है, तो लिखा है भवेत अश्वः अध्वनिनः, भवेत अश्वः अध्वनिनः यानी गमन करने वाला। श्राद्ध करता यदि गमन करता है तो घोड़ा बनता है दूसरे जन्म में, अश्वः भवेत। और पुनर्भोजी तु बायसः, और एक बार जो श्राद्ध करके दूसरी बार भोजन कर लेता है, श्राद्धकर्ता को दोबारा भोजन भी नहीं करना है सायंकाल को, तो श्राद्धकर्ता यदि शाम को भोजन करता है तो लिखा हुआ है वो कौवा बनता है अगले जन्म में, पुनर्भोजित वायसा। ये ब्राह्मणों के लिए भी है। इसमें से ध्यान देना, इसमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो नियम श्राद्ध भोक्ता के और श्राद्धकर्ता दोनों के लिए है, यात्रा दोनों के लिए वर्जित है। अगर श्राद्धकर्ता भी यात्रा करता है तो वो भी अशुभ बनेगा, श्राद्ध भोक्ता भी यदि यात्रा करता है वो भी अशुभ बनेगा। श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनों यदि फिर शाम को दोबारा भोजन करते हैं तो वायस बन सकते हैं, कौवा बन सकते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। याज्ञवल्क्य के भगवान का वचन है। और होमकृन नेत्र रोगी स्यात्, और फिर यहां श्राद्ध खा करके फिर हवन करता है तो नेत्रों का रोगी होता है। और पाठादायु प्रहीयते, पाठ का मतलब वेद का पाठ, यदि श्राद्ध करता और भोक्ता फिर वेद का पाठ करता है श्राद्ध खाने के बाद, उसी दिन, ये उसी एक दिन की बात है, तो वो जो है आयु को नाश करने वाला होता है। तो श्राद्ध भोक्ता और कर्ता को वेद का पाठ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और कह रहे हैं आगे, कि दानान निष्फलतामेति प्रतिगृहीता दरिद्रताम कर्मकृत जायते दासो मैथुनी शूकरो भवेत। बतलाया गया था कि दान नहीं करना चाहिए उस दिन, श्राद्ध का दान हो गया बस, अब आप दान करने के उस दिन के अधिकारी नहीं है, लेकिन दान करते हैं तो वो निष्फलताम एति, वो दान का कोई फल नहीं रहता है। और प्रतिग्राही दरिद्रताम एति, और यदि कोई व्यक्ति प्रतिग्रहीता श्राद्ध करने के बाद दान ले लेता है तो लिखा हुआ है कि वो दरिद्रताम एति, वो दरिद्र बन जाता है। इसलिए श्राद्ध करने के बाद दान नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। और कर्मकृत जायते दासः, यदि कोई बहुत मेहनत वाला काम करता है, लिखा हुआ है कोई भी आयाम व्यायाम न करे, मेहनत वाला कार्य न करे, अगर करता तो दास होता है। और श्राद्ध करता भोक्ता यदि मैथुन करते हैं, स्त्री प्रसंग करते हैं, तो लिखा हुआ है मैथुनी शूकरो भवे, मैथुन करने वाला वो शूकर होता है, सूअर बनता है। इसलिए इनसे ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अब बतला रहे हैं कि श्राद्धकर्ता के नियमों का प्रतिप्रसव, अर्थात ऐसी ऐसी अवस्था में इन कार्यों को कर सकता है, वो देखिए। अगर किसी ने श्राद्ध, कई तरीके के होते हैं, 97 श्राद्ध होते हैं, 96 तरीके के श्राद्ध होते हैं मुख्य रूप से, और भी कई तरीके के श्राद्ध होते हैं, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, प्रेत श्राद्ध, पितर श्राद्ध। तो ये एक नैमित्तिक श्राद्ध है कि तीर्थ यात्रा के निमित्त, यदि कोई आज तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो उसको आज श्राद्ध करके निकलना चाहिए। तो श्राद्ध करके यदि तीर्थ यात्रा पे निकलेगा तो पैदल चलेगा कि नहीं,
आप यात्रा के लिए मना कर रहे थे, तो तीर्थ श्राद्ध में, तीर्थ श्राद्ध, तीर्थ वाले श्राद्ध को करने के बाद फिर वो यात्रा कर सकता है। ये केवल तीर्थ यात्रा में ही और तीर्थ श्राद्ध के निमित्त ही छूट है। और लिखा हुआ है कि आपने कहा कि स्त्री प्रसंग नहीं कर सकते, पर हर संस्कार में श्राद्ध करना लिखा है, नांदी श्राद्ध, तो गर्भाधान संस्कार में भी नांदी श्राद्ध होता है, तो गर्भाधान करने के ना गर्भाधान निमित्तक नांदी श्राद्ध करने के बाद भी वो रात्रि में गर्भाधान करेगा ही। गर्भाधान का जब समय उपस्थित हो जाता है तभी तो ये कार्य होता है संस्कार, तो उस समय वो स्त्री गमन भी कर सकता है। गर्भाधान निमित्तक नांदी श्राद्धोपरांत गमने न दोष, वो दोष नहीं है। अब जैसे आवसथ्याधान होता है, आवसथ्याधान अंतु दार काले, तो जब विवाह हो जाता है तो आवसथ्याधान, आवसथ्य अग्नि का आधान होता है, तब भी नांदी श्राद्ध होता है। तो जब अग्नि की घर में स्थापना की है हवन के निमित्त, तो तन निमित्त तक भी नांदी श्राद्ध किया गया है, तो फिर हवन के निमित्त ही अग्नि की स्थापना है और श्राद्ध भी हुआ है, तो वहां भी जो है हवन कर सकते हैं। हवन का निषेध बतलाया था ना अभी, तो ये उसका प्रतिप्रसवक है। ऐसी ऐसी जगह पे आप कर सकते हैं। अब लिखा हुआ कि दान नहीं करे, अभी चर्चा सुनी थी ना, जो दान करता है तो वो उसका फल निष्फल हो जाता है। तो विवाह में भी जो है श्राद्ध होता है, तो अगर किसी ने श्राद्ध कर लिया तो वो कन्यादान तो करेगा ना, नांदी श्राद्ध करने के बाद भी कन्यादान आदि विवाह में किया जा सकता, उसमें कोई भी छूट नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, ये जो है नियम बतलाए गए। तो इसको कहते हैं प्रतिप्रसव, निषेध का भी निषेध, कोई निषेध किया गया शास्त्रों में तो उसका भी प्रतिनिषेध हो गया कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी अवस्था में किया जा सकता है। तो ये सामान्य रूप से नियम हुए श्राद्धकर्ता के। अब श्राद्ध भोक्ता के नियम देखिए, जो हम लोग ब्राह्मण लोग किसी के घर में जो श्राद्ध खाने के लिए जाते हैं तो वे क्या क्या करें क्या क्या नहीं करें, तो ये जो है आप अगली वीडियो में देखें कि श्राद्ध भोजन करने वालों को क्या क्या नियम करना चाहिए, देखिएगा।